अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है ये सब लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में अगर एम लिखा होता है तो मेल होता है, एफ़ लिखा होता है तो फीमेल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में अगर ऐसा लिखा होगा तो जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे और जो डॉक्टर रिपोर्ट्स देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है जो कि एनोमली स्कैन कहा जाता है उसे, उसमें बेबी का जैसे सब कुछ दिखता है। तो मेरा जो एनोमली स्कैन है उसको मैंने दिखाया था, आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने एक आइडिया लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि ये जो चीज़ें दिख रही है, मतलब एक तस्वीर है उसमें, तो हमको उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये जेंडर का कुछ है। तो वो मैंने आप लोगों से, मैंने अपना जो मन की बात है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया था। लेकिन उसके बाद से आप लोग मेरे से इतना पूछते हैं कि मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिए और उसमें कहाँ पर लिखा है वो भी बताइए। तो देखिए, हर एक का रिपोर्ट तो एक जैसे नहीं होता है। मैंने आज तक आप लोगों में से जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों ने मेरे से मतलब कॉन्टेक्ट किया इंस्टाग्राम पर और मुझे तस्वीर भेजे हैं, तो उनमें से कुछ भी ऐसा तस्वीर हमको नज़र नहीं आई कि जैसे मेरे जैसे अल्ट्रासाउंड हो किसी को, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकती, ठीक है ना। आज मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी इस वीडियो में कि इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको मतलब क्या होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला नंबर तो ये है, मेरे साथ नहीं हुआ था, वो है कि मॉर्निंग सिकनेस। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हुआ था। तो कहा जाता है कि अगर सुबह उठ के आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो आपको बेबी बॉय होगा। दूसरा ये होता है कि आपका पूरा महीना, जैसे शुरू से लेकर 9 महीना तक आपको उल्टियाँ और नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो भी माना जाता है कि आपका लड़का होगा। तीसरा नंबर ये होता है कि अगर आपका प्लासेंटा पोस्टेरियर है और वो अपर सेगमेंट ग्रेड 2 पर है तो भी माना जाता है कि बेबी बॉय होगा, ठीक है, ऐसे मेरे टाइम पे था। अच्छा, उसके बाद जो एक सिम्टम्स आते हैं कि आपको दाया पैर जो है ना भारी होने लगेगा। दाया पैर अगर आपका मतलब राइट साइड में अगर आपका पेट का भारीपन है, राइट पैर आपका भारी है, तो भी कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। हालाँकि हमारे देश में, इंडिया में, जो कि लड़का लड़की एक समान माना जाता है, लेकिन घर में कुछ ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे सास ससुर हैं जो नहीं मानते हैं, उनको पहले बेटा ही चाहिए, इसलिए उनके बहुएं ज़्यादा परेशान रहती है। और ऐसे ही 2-3 सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े भी हैं इंस्टाग्राम पर, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और अल्लाह के रहम करम से एक का तो बेटा ही हुआ है, तो चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो हम सिम्टम्स बताएंगे वो ये है, अगर आपका पेट चारों ओर फैला हुआ नहीं है, आपका पेट आगे का निकला हुआ है, तो भी माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। ये सब जो है ना कुछ बातें जो है ना पुराने ज़माने से चली आ रही है और मेरे साथ भी ये कुछ ठीक हुआ है। उसके बाद जो हम बताते हैं नाभिल को लेकर, इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में बता भी देती हूँ। अगर आपका नाभि जो है ना बिल्कुल अंदर नहीं है, पूरा मतलब आधा अंदर है और ऊपर की हिस्सा जो है ना बाहर निकला हुआ है, तो समझ लेना कि आपको मतलब बेबी बॉय होने वाला है। हालांकि आज का वीडियो टॉपिक ऐसा नहीं है जेंडर रिवील का, लेकिन फिर भी मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ ताकि ये सब आपका कमेंट्स आता है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। तो हमारे जो ओल्ड वाइफ्स होते हैं ना, उनको तो ये सब सिम्टम्स देख के पता लग जाता है कि आने वाला बेबी क्या होने वाला है। ऐसे मेरे भी लोग बताते हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो लोगों ने मुझे बोला कि लड़की होगी, तो डेफिनेटली लड़की हुई थी। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे लगता था कि लड़का होगा, बट सब ने कहा लड़की होगी, तो लड़की हुई थी, क्योंकि सिम्टम्स ही कुछ ऐसे थे। तो इसलिए कुछ सिम्टम्स जो है ना सच भी होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्या बताएं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जब हम कराते हैं ना अल्ट्रासाउंड, तो वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि बस डॉक्टर हमको ये बोल दे कि बेबी का जेंडर क्या है, मतलब मन में ये बहुत रहती है कि बस डॉक्टर बोल दे एक बार। तो हमने भी काफ़ी बार जाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर के जो रिस्ट्रिक्शन है उस वजह से वो लोग नहीं बताते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं कि आप मतलब बिना अल्ट्रासाउंड से भी कैसे जान सकते हैं आपका पेट में आने वाला बेबी कौन सा है। तो सबसे मेन ज़रूरी बात यह होता है कि बेबी को जेंडर को लेकर नहीं, बेबी का स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता करनी चाहिए, जितना मेरे नॉलेज से मैं बताऊंगी, क्योंकि बेबी का जो जेंडर है वो 9 महीना बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर बेबी हेल्दी नहीं रहेगा पेट में, अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे, आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, तो आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत परेशानी होने वाली है। बस आपको घर में कम
हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ चाहे वो बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, लेकिन आप उनको अच्छे से ध्यान रखें। जब आपने कंसीव किया है, आपको आप चाहते हैं कि आपका बेबी इस दुनिया में अच्छे से आए, तो आपको पूरा हक बनता है उसका पूरा पूरा ध्यान रखें, अच्छे अच्छे खाना पीना खाए, और आपका ब्लड लेवल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो सर्दी का मौसम है, ठंडा फल वगैरह ना खाए, जैसे कि आप ना ड्राई फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। आपको बॉडी में जो है ना बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे, आपकी जो है ना आपका एनर्जी बनी रहेगी शरीर में, और बच्चे का हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसका जो ब्रेन है उसका विकास अच्छे से होता है, और आपको जो हड्डी कमज़ोर होती जाती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, हड्डी मुलायम रहती है, तो वो भी मतलब उसको कैल्शियम भी अच्छे से मिलता है, और ये सब बातें होती है। तो आज का वीडियो टॉपिक आपको कैसा लगा हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका डिलीवरी डेट कौन से महीने में है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमसे शेयर किया था, और उनमें से 3 को डिलीवरी हो चुका है, और बेबी 1 को बेबी गर्ल हुई है, 2 को बेबी बॉय हुआ है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि जिसको बेबी गर्ल चाहिए अल्लाह ताला उनको गर्ल दे दे, जिसको बेबी बॉय चाहिए तो उनको भी बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि सब लोगों की एक इच्छा रहती है, आशा रहती है अपनी फैमिली कंप्लीट होने के लिए। लड़की भी ज़रूरत है, लड़का भी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरे चैनल पर बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स आते हैं मेरे वीडियोस पे, जो इम्प्रेशन देते हैं, ज़्यादा इम्प्रेशन आता है वो नए फ्रेंड्स का आता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन का भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आप आराम से देख भी पाएंगे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।